हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक एफवी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आप करते हैं इधर से, तो कुछ घंटे बाद वो मैसेज आप डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते हो, ओनली डिलीट फॉर मी कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में लाइव प्रूफ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कितना हो पुराना मैसेज हो, उस मैसेज को आप डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल वाले बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा और ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो SMS दिखा देता हूँ जिस SMS को मैं डिलीट फॉर एवरीवन करना चाहता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने कल यानी 15 तारीख को एक मैसेज किया है 6:23 पे हेलो का। इस मैसेज को मैं डिलीट फॉर एवरीवन करना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक करके मैं जैसे ही डिलीट पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है डिलीट फॉर मी का। यानी ये मैसेज सिर्फ डिलीट फॉर मी हो सकता है, डिलीट फॉर एवरीवन नहीं हो सकता है। तो चलिए अब इस सॉल्यूशन बताते हैं कि आपको डिलीट फॉर एवरीवन इस मैसेज को कैसे करना है। आपको चले आना है बैक। बैक आने के बाद आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको एक ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपने सेटिंग में चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फोक्स स्टॉप पे क्लिक करना है। फोक्स स्टॉप पे क्लिक करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप को फोक्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको बैक चले जाना है। बैक आने के बाद अब अपने फ़ोन के आप सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में आने के बाद आपको एक ऑप्शन खोजना है टाइम एंड डेट का। पहले आप अपने डाटा को ऑफ़ कर दीजिएगा। मैंने पहले से ही अपने डाटा को ऑफ़ कर रखा है, तो सबसे पहले आप अपने डाटा को भी ऑफ़ रखिएगा, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। अब आपको क्या करना है, सेटिंग में आने के बाद आपको डाटा एंड टाइम वाले ऑप्शन को खोजना है, डेट एंड टाइम। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैं एडिशनल सेटिंग में मुझे मिल गया डेट एंड टाइम का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिक सेट लिखा होगा, आपको उसे हमेशा के लिए बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, सेट टाइम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने मैसेज में जाना है, और मैसेज में आपको ये देख लेना है कि वो मैसेज किस तारीख में है और किस टाइम पे वो मैसेज किया गया है जिस मैसेज को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैंने 15 तारीख को 6:23 पे एक मैसेज किया है, तो मैं इस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन करना चाहता हूँ। तो अब आप क्या करना है, आपको फिर से वही सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको डेट एंड टाइम में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तारीख सेलेक्ट कर लेना है, डेट वो सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस डेट का मैसेज आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मेरा 15 तारीख का मैसेज है, तो मैं 15 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे 6:23 पे है, तो मैं 6 बजे कर लेता हूँ। अब 6:23 है, तो एक मिनट ज़्यादा ही कीजिएगा। 6:23 पर मैसेज है, तो चलिए मैं 6:24 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद AM और PM देख लीजिएगा, तो मैंने PM पे मैसेज किया है, तो मैं 6:24 PM सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बैक चले आना है। अब जैसे कि ऊपर आप टाइम देख सकते हो 6:24 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद आपको उस मैसेज पे लॉन्ग प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नेट को ऑन कर देना है। ऑन करते ही ये मैसेज आपका डिलीट फॉर एवरीवन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है, इसको सही करने के लिए आपको चले जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से वही एडिशनल सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे चले जाना है, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाले पे सेट कर देना है। अब जैसे कि देख सकते हो, टाइम अपना सेट हो चुका है। बैक चले जाना है। इसी तरह से आप दोस्तों किसी भी मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन आसानी से कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा, टाइम एंड डेट को सेट कर लेना होगा, और किसी भी मैसेज को आप उसी टाइम को बदल के आप सेट डिलीट फॉर एवरीवन कर पाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर लिया है। तो इसी तरह से उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।